हेलो लर्नर्स, आई एम परिष्कृत अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा, और मैं आप सभी का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ लेना है। ये इसमें क्वेश्चन में जो बैलेंस कंपनी की बैलेंस शीट दी है वो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2005 है, और जो कंपनी का जो फाइनल पेमेंट कर रही है, लिक्विडेटर जो लायबिलिटीज का फाइनल पेमेंट करी हो 30 जून 2005 करी, इसका मतलब बैलेंस शीट की डेट के 3 महीने के बाद फाइनल पेमेंट हो रहा है लायबिलिटीज का। इसमें एक और प्रोविजन, एक और इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि डिविडेंड एरिया से प्रिफरेंस शेयर होल्डर का प्रिफरेंस कैपिटल का 3 इयर्स तक के, और यहाँ पे वेरियस एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट साइड में लिखने से पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया हुआ है 16,000 रुपीज। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैश इन हैंड लिख लेते हैं। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है, 16,000। तो हम यहां लिख रहे हैं टू कैश इन हैंड 16,000 रुपीज। और फिर हम चेक करते हैं बहुत सारे एसेट्स का दिए हुए हैं उसके रियलाइजेशन वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 4,30,000 टू एसेट्स रियलाइज्ड। हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है 4,30,000। नेक्स्ट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट गिवन है ऑफिस इक्विपमेंट का रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है 25,000। उसके बाद है फर्नीचर, उसका रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है 16,000 रुपीज। नेक्स्ट गिवन है स्टॉक 1,40,000। उसके बाद गिवन है डेटर्स 1,20,000 और गिवन है बिल्स रिसीवेबल 28,000। फिर हम और इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं क्या कोई और एसेट या कॉल्स मेड हो रहा। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गिवन है लास्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में, कि देयर वाज अ टाइपराइटर व्हिच वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट बट लिक्विडेटर सोल्ड इट फॉर ₹1,000 व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे एक ओल्ड टाइपराइटर है जिसको बेचा है और उससे भी अमाउंट क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओल्ड टाइपराइटर के अमाउंट को भी, दैट इज 1,000, क्योंकि लिक्विडेटर रियलाइज कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं लिक्विडेटर ने एसेट से कितना अमाउंट रियलाइज किया। तो 4,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 16,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 28,000 प्लस 1,000। तो टोटल एसेट रियलाइज इट इज इक्वल टू 8,60,000। अब आते हैं पेमेंट के। तो यहां पे हम पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट किसका करते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का। तो हमने यहां लिखा बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 5,200। यहां पे आप देखेंगे कि नया एक्सपेंसेस आ गया, दैट इज लीगल चार्जेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के बाद पेमेंट होता है लीगल चार्जेस का। लीगल चार्जेस की जो अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है 2,000 रुपीज। उसके बाद पेमेंट तो किसका होगा, उसके बाद पेमेंट होगा लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो दिया हुआ उसका अमाउंट 2,000, उसको फिक्स्ड देना है, फिक्स्ड 2,000 रुपीज। फिर आगे पढ़ेंगे तो बोला है कि 2% ऑन सेल ऑफ एसेट, तो सेल ऑफ एसेट तो आ गया 8,60,000। तो 8,60,000 का
2%, तो ये आ गया 17,200। और थर्ड बोल रहा है 4% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो अभी तो हमको पता नहीं है कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है, तो हम स्पेस छोड़ देते हैं और उसके बाद पेमेंट करते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स गिवन है। तो यहां पे ऐसा बोला है सन्ट्री क्रेडिटर इंक्लूड लोन ऑफ 80,000 सिक्योर्ड ऑन हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रुपीज 20,000। तो यहां पे जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है वो कितने हैं 20,000। अब देखिए हमने एक इंफॉर्मेशन छोड़ दिया, यहां पे क्या बोला है कि एक क्रेडिटर है 80,000 का जो लोन है वो सिक्योर्ड है ऑन द हाइपोथेकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है आपका सिक्योर क्रेडिटर हो जाता है। और आपको पता है सिक्योर क्रेडिटर का सबसे पहले पेमेंट करना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमने गलती कर दी है, सबसे पहले पेमेंट होता है सिक्योर क्रेडिटर्स का। हमने इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, आपको याद रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है तभी सॉल्व करना है, नहीं तो आपका अगर मिस्टेक हो गया तो फिर आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो हम सबसे पहले पे करते हैं यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो लोन है उसका अमाउंट दिया हुआ है 80,000। उसके बाद हम पे करते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस गिवन था कितना, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था 5,200। लीगल चार्जेस ₹2,000। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन एक है उसका ₹2,000 फिक्स्ड है। पॉइंट नंबर बी में बोला है कि भाई जितना भी एसेट रियलाइज हुआ उसका 2% 17,200। और पॉइंट नंबर थ्री में बोला है कि भाई जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा उसके अमाउंट का आपको यहाँ पे 4% किसको पे करना है, लिक्विडेटर को एज अ रेम्यूनरेशन पे करना है। तो अभी हमको पता नहीं है तो सबसे पहले हम पे कर लेते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो हम देखते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना बोला है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर गिवन है 20,000। तो ये 80,000 प्लस 20,000 1,00,000 ऑलरेडी क्रेडिटर्स के अमाउंट में वो इंक्लूडेड है। आपको ये चीज याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि भाई 3 महीने के बाद फाइनल पेमेंट हो रहा है, तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा वो 3 महीने का और इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। उसके बाद किसको पे होगा, डिबेंचर होल्डर को। डिबेंचर होल्डर को पहला डिबेंचर्स का पेमेंट होगा। डिबेंचर्स की जो अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है 2,00,000 रुपीज। बैलेंस शीट में इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है, दैट इज डिबेंचर इंटरेस्ट 8,000 दिया हुआ है। और यहाँ पे फिर से हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि बैलेंस की शीट की जो डेट है वो 31 मार्च है और पेमेंट हो रहा है 30 जून, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट होगा। रेट है 8% ऑफ 2,00,000, 16,000 आया। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 4,000। तो हमने कैसे इंटरेस्ट निकाला, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना पे हुआ, 2,12,000। टोटल हमको पैसा मिला है 8,76,000। उससे हमने अभी भी हमारे पास पैसा है। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स, तो आपको ये क्या याद रखना है, क्रेडिटर्स में 2 क्रेडिटर इंक्लूडेड थे, एक था सिक्योर क्रेडिटर भी इंक्लूड था और एक प्रेफरेंशियल क्रेडिट। सिक्योर क्रेडिटर 80,000 है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 20,000 है। टोटल 1,00,000 के क्रेडिटर का ऑलरेडी आपने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है। तो बैलेंस शीट में 3,20,000 का क्रेडिटर है जिसमें से 1,00,000 का आपने पेमेंट कर दिया है, तो अब कितना बचा है, 2,20,000। तो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसको मैं एक चार्ट की तरह अगर आपको बताऊंगा तो ये हो गए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 3,20,000 का,
फिर वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड, या अनसिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल। तो यहाँ पे सिक्योर्ड बताया कितना है 80,000 है, इसका मतलब अनसिक्योर्ड कितना हुआ 3,20,000 से 80,000 माइनस किया तो ये आ गया 2,40,000। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रेफरेंशियल और एक होता है रिमेनिंग। तो प्रेफरेंशियल कितना बताया 20,000 बताया, इसका मतलब रिमेनिंग कितना है 2,20,000। अभी देख रहे हैं हमारे पास पैसा है, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरा का पूरा पेमेंट होगा 2,20,000 का। अब आप देख सकते हैं कि हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी पे कर दिया, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड को पे कर दिया और टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 2,40,000 के। इस 2,40,000 का 4% रेम्यूनरेशन होगा लिक्विडेटर का, तो हमने यहाँ लिखा 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%, तो ये आ गया 9,600। तो अगर हम टोटल करेंगे 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4%, तो टोटल लिक्विडेटर जो रेम्यूनरेशन आ रहा है वो आ रहा है 28,800। रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के बाद किसका पेमेंट होगा, पेमेंट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो हम लोग हम यहां पे करते हैं अब किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले उसको क्या पे करेंगे, कैपिटल, कैपिटल का अमाउंट अगर चेक करेंगे तो कैपिटल कितना है 2,00,000 रुपए है और उसके 8% डिविडेंड है जो कि 3 साल का एरियस है, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। तो हम 3 साल का डिविडेंड निकाल लेते हैं, तो डिविडेंड 2,00,000 का 8% आ गया 16,000, 1 साल का, 3 साल का डिविडेंड एरियस में, तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये कितना आया 48,000। तो टोटल आ गया 2,48,000। हमने इतना पेमेंट कर लिया, चेक कर लेते कि हमारे पास पैसा बचा है कि नहीं, 8,76,000 माइनस 80,000 माइनस 5,200 माइनस 2,000 माइनस 28,800 माइनस 20,000 माइनस 2,12,000 माइनस 2,20,000 माइनस 2,48,000, तो अब सिर्फ 60,000 रुपीज बचा है। अब ये 60,000 किसको पे होगा, बच गया, इट विल पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। फिर भी यहां देखोगे दो टाइप के इक्विटी शेयर होल्डर है, एक का 80 पेड अप है, एक का 70 पेड अप है। तो हम अब क्या निकालेंगे, डेफिशिएंसी निकालेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं 4,000 इक्विटी शेयर रुपीज 80 पेड अप, तो 80 पेड अप है, तो ये टोटल प्रेफरेंस कैपिटल का सॉरी इक्विटी कैपिटल का अमाउंट हुआ 3,20,000। और फिर क्वेश्चन में बताया है 6,000 इक्विटी शेयर्स हैं जिसका रुपीज 70 पेड अप है, तो ये आ रहा है आपका 4,20,000। तो टोटल कैपिटल कितना का हो गया, ये हो गया 7,40,000 का। यहां से लेस किया हमने, क्या लेस किया, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल कितना है 60,000 है, 60,000 माइनस किया तो बचा कितना 6,80,000। तो दिस इज डेफिशिएंसी। और हम फिर क्या निकालेंगे, डेफिशिएंसी पर शेयर और इसको पेड अप वैल्यू से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे और उतना ही पेमेंट होगा। डेफिशिएंसी पर शेयर कितना हुआ 6,80,000 की डेफिशिएंसी आ गई। टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए 10,000, तो डिवाइडेड बाय 10,000 किया तो यहां पे देखिएगा यहां पे कितना आ रहा है 6.8 रुपीज। तो डेफिशिएंसी कितनी है रुपीज 6.8 पर शेयर। तो अब हम इक्विटी शेयर होल्डर को पे कर देते हैं बाय इक्विटी शेयर होल्डर, उसमें पहला है रुपीज 80 पेड अप, 80 माइनस सॉरी 80 सिक्स, ये 6.8 नहीं आएगा, ये आएगा 68, तो ये आ गया 80 माइनस 68, तो ये आ गया 12। 80 पेड अप कौन से शेयर का है, 4,000 शेयर का, तो मल्टीप्लाइड बाय 4,000, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 ये कितना आ गया 48,000। और बी दूसरे टाइप का शेयर है जिसका रुपीज 70 पेड अप है लेकिन डेफिशिएंसी कितनी है 68, तो बचा कितना रुपीज 2 मल्टीप्लाइड बाय 6,000, तो ये कितना आ गया
12,000, तो ये हो गया 60,000 जो अवेलेबल था वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने डेफिशिएंसी कैलकुलेट किया और फिर हमने क्या किया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।